हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। तो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो वीडियो उनको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कन्फर्म audio video is accessible to you, so all live class students please do it quickly। so मैं wait कर रहा हूँ आपके confirmation का। जैसे ही आप confirm करेंगे we will be able to start। चलिए शुरू करते हैं friends। last session के अंदर हम कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अकाउंट सर्विसेज एंड कलेक्शन सर्विसेज को हमने डिस्कस किया। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय फॉरेन बैंक विद द कॉरस्पोंडेंट बैंक। तो ये फंक्शन क्या है जहाँ पे रेस्पोंडेंट बैंक अकाउंट मेंटेन करता है कॉरस्पोंडेंट बैंक के साथ। इट इज़ यूज्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स। It is used for follow-up for payments and reminders. It is used for credit to the account of the bank. It is used for all the above. तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर वन के लिए। सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। और जो लास्ट सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया उसके बेसिस के ऊपर व्हाट शैल बी द आंसर, तो आंसर क्या बनता है। यस, कोशिश करिए आंसर देने की, बिकॉज जब आप आंसर देते हैं तो माइंड एप्लीकेशन बनता है। माइंड एप्लीकेशन मीन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन वन के लिए आंसर हमारा बनेगा डी, यानी ये सारी की सारी ही सर्विसेज उन केसेस में बैंक प्रोवाइड करता है कॉरस्पोंडेंट बैंक जहां अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है। What is the purpose of intraday line of credit offered by correspondent bank? Correspondent bank अगर intraday line of credit offer करता है तो इसका purpose क्या है? To provide advance payment to foreign bank, to provide advance payment for respondent bank, to approve payment instructions in anticipation of cover funds or to approve payment instructions without cover funds. So which appears to be the most appropriate आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। एग्जाम के अंदर भी आपको सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर टू कौन सा आंसर लगता है कि यस दैट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर हमारा बनता है सी, टू अप्रूव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस इन एंटीसिपेशन ऑफ कवर फंड्स। सो पैसा आने वाला है उसकी एंटीसिपेशन में फंड्स को प्रोवाइड करना इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। What are services provided by correspondent banks as agent for collection? Agent for collection के तौर के ऊपर correspondent bank क्या क्या services provide करते हैं? Collection of export, import documents, bill of exchange and checks, noting and protesting of bills of exchange, follow-up for payments and reminders, या ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर कलेक्शन फॉर एजेंट्स या एजेंट्स फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री। सो सभी ऑप्शंस को रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो हियर आंसर अगेन इट विल बी ऑल दी अबव। ये सारी की सारी सर्विसेज
अंडर कलेक्शन सर्विसेज कॉरेस्पोंडेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द एडिशनल फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय सम कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स फॉर कलेक्टिंग द प्रोसीड्स फास्टर? सो फास्टर कलेक्शन के लिए एडिशनल फैसिलिटीज कॉरेस्पोंडेंट क्या ऑफर करते हैं? कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस, रिमाइंडर्स एंड फॉलोअप फॉर पेमेंट्स, इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स, या नन ऑफ दीज? तो फास्टर कलेक्शन के लिए क्या किया जाता है बाय द कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सो इट इज कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस। तो इस फैसिलिटी के थ्रू दे आर एबल टू कलेक्ट द प्रोसीड्स फास्टर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग नेटवर्क फॉर कलेक्शन? सो कलेक्शन के पर्पस के लिए कॉरेस्पोंडेंट बैंकों का जो नेटवर्क है उसको यूज करने का क्या बेनिफिट है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? सो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है? सो इट इज ऑल दी अबव। तो इससे जो प्रोसीड्स हैं कलेक्शन वो क्विक होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो बेटर होता है। व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स? तो इनमें से जो अभी मेन ऑप्शंस दे रहे हैं, कौन सी दो मेन अकाउंट बेस्ड सर्विसेज हैं? पेमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस एंड कलेक्शन, फॉलोअप फॉर पेमेंट्स एंड रिमाइंडर्स, और कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस। सो एज पार्ट ऑफ अकाउंट सर्विसेज, इनमें दो कौन सी मेन अकाउंट सर्विसेज हैं विच कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स ऑफर? क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा है बी आंसर। तो बी आंसर इसमें नहीं बनता है, तो आंसर इसके अंदर ए बनता है। सो लेट अस करेक्ट दिस आंसर, बिकॉज यहां पे हम बात कर रहे हैं किन सर्विसेज की, जो सर्विसेज अकाउंट बेस्ड सर्विसेज हैं। तो अकाउंट बेस्ड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में सो आंसर ए इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए अब इन क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट सर्विसेज के ऊपर चलते हैं। सो नाउ पेमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स टू रेस्पोंडेंट बैंक्स। कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स हैंडल एंड एग्जीक्यूट ऑल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट बैंक बाय डेबिटिंग टू द अकाउंट मेंटेन्ड विद इट। सो कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स हैंडल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस जो रेस्पोंडेंट बैंक्स देते हैं कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स को। तो लेट अस से देयर इज कॉरेस्पोंडेंट बैंक एंड देयर इज रेस्पोंडेंट बैंक्स। रेस्पोंडेंट बैंक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है विद कॉरेस्पोंडेंट बैंक और रेस्पोंडेंट ने बैंक ने कुछ पेमेंट्स करनी है, तो इन दैट केस वट रेस्पोंडेंट बैंक विल मेक, तो रेस्पोंडेंट विल इंस्ट्रक्ट कॉरेस्पोंडेंट बैंक के उसके लिए इन पेमेंट्स को कर दिया जाए उसके अकाउंट के थ्रू। सो दिस इज व्हाट इज डन बाय कॉरेस्पोंडेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। द पेमेंट कुड बी इंटर बैंक पेमेंट्स,
फॉर सेटलमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज डील्स और कस्टमर पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन पेमेंट्स में इंटरबैंक पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ताकि जो फॉरन एक्सचेंज डील्स हैं उनको सेटल किया जा सके, तो वो पेमेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर रेस्पोंडेंट बैंक के इम्पोर्ट कस्टमर्स इम्पोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उनकी पेमेंट्स भी इस अकाउंट के थ्रू कॉरस्पोंडेंट बैंक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, रेस्पोंडेंट बैंक का कस्टमर है एक्स, इसने गुड्स को इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट के लिए पेमेंट करना होगा सप्लायर जेड को, तो जो कॉरस्पोंडेंट बैंक है वो रेस्पोंडेंट के बैंक के अकाउंट को डेबिट करके तो ये पेमेंट इनको कर सकता है। सो पेमेंट कुड बी इंटरबैंक पेमेंट्स, सो दीज कुड बी फॉर सेटलिंग फॉरन एक्सचेंज डील्स और फॉर सेटलिंग कस्टमर पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द पेमेंट्स कैन बी फॉर बेनिफिशरीज इन द सेम सिटी, इन द सेम कंट्री और इन अदर कंट्रीज, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ बेनिफिशरीज कॉरस्पोंडेंट बैंक अकाउंट्स। तो ये पेमेंट कहाँ की जा सकती हैं, तो सेम सिटी में भी की जा सकती हैं जहाँ पे कॉरस्पोंडेंट बैंक एग्जिस्ट करता है, सेम कंट्री के अंदर भी की जा सकती हैं और अदर कंट्रीज के अंदर भी की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉरस्पोंडेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो दीज सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाई कॉरस्पोंडेंट बैंक। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सर्विसेज, तो वो है ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। कॉरस्पोंडेंट बैंक बाई वर्च्यू ऑफ हैविंग अकाउंट ऑफ द क्लाइंट बैंक ऑल्सो ग्रांट्स ओवरड्राफ्ट फॉर टेम्पररी नीड्स इन ऑर्डर टू फिल अप शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप। सो लेट अस से रेस्पोंडेंट बैंक अकाउंट मेंटेन करता है विद कॉरस्पोंडेंट बैंक, सो अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए रेस्पोंडेंट बैंक को फ्रॉम टाइम टू टाइम फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो फंड्स अगर रेस्पोंडेंट बैंक के पास उस समय अवेलेबल ना हो तो वो फंड्स बोरो कर सकता है फ्रॉम द कॉरस्पोंडेंट बैंक। और इस केस में कॉरस्पोंडेंट बैंक विल प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट, एंड दिस ओवरड्राफ्ट विल बी ऑफ टेम्पररी पीरियड से ए फोर्टनाइट। तो जिससे जो शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप्स हैं जो रेस्पोंडेंट बैंक को फेस करने पड़ते हैं, तो उन शॉर्ट टर्म गैप्स को, फंडिंग गैप्स को आसानी से मीट विद किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स ऑन रेगुलर शॉर्ट टर्म बेसिस बेस्ड ऑन क्रेडिट असेसमेंट ऑफ द फॉरेन बैंक। तो कॉरस्पोंडेंट बैंक इस ओवरड्राफ्ट के अलावा लोन ग्रांट कर सकता है ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, और इसके लिए जो कॉरस्पोंडेंट बैंक है वो रेस्पोंडेंट बैंक की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके बेसिस के ऊपर उन लोन्स को सैंक्शन करेगा। तो ओवरड्राफ्ट एंड लोन की फैसिलिटीज कॉरस्पोंडेंट बैंक सैंक्शन कर सकते हैं इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक्स। हाउएवर दीज अरेंजमेंट्स रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द रेस्पोंडेंट बैंक एंड द कॉरस्पोंडेंट बैंक, सब्जेक्ट टू बैंक्स इंटरनल अप्रूवल्स एंड रेगुलेटरी परमिशंस इफ एनी। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, रेस्पोंडेंट बैंक को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे इन फेवर ऑफ द कॉरस्पोंडेंट बैंक, और उसके लिए कॉरस्पोंडेंट बैंक इंटरनली अपना अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और अगर रेगुलेटरी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है तो रेगुलेटरी परमिशंस को भी अरेंज करेगा कॉरस्पोंडेंट बैंक। तो ये होगी हमारी ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। सो दीज अरेंजमेंट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स, तो ये हमने कर लिया है। नो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज,
ये पार्ट रिपीट हुआ है. सो कॉरस्पोंडेंट बैंक और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? अनदर सर्विस कुड बी इन्वेस्टमेंट सर्विस. कॉरस्पोंडेंट बैंक ऑफर्स सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस बैलेंसेज इन अकाउंट बियॉन्ड ए मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एट डोमेस्टिक कॉल रेट्स माइनस ए स्मॉल मार्जिन. तो कॉरस्पोंडेंट बैंक के पास अकाउंट है रेस्पोंडेंट बैंक का. सो लेट अस से रेस्पोंडेंट बैंक का अकाउंट है कॉरस्पोंडेंट बैंक के पास. तो रेस्पोंडेंट बैंक अकाउंट के अंदर देर इज सम सरप्लस. तो ये सरप्लस शॉर्ट पीरियड की भी हो सकती है एंड रिलेटिवली फॉर लॉन्गर पीरियड भी हो सकती है. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो सरप्लस है, सो देयर कैन बी अरेंजमेंट बिटवीन रेस्पोंडेंट बैंक एंड कॉरस्पोंडेंट बैंक के इस सरप्लस को कॉरस्पोंडेंट बैंक इन्वेस्ट करे टू अर्न रिटर्न्स. So this investment services can also be offered by correspondent bank. Correspondent bank offers services related to investment of overnight surplus balances in the account beyond a minimum balance to be maintained. Or ye investment jo correspondent bank ke country ke andar jo domestic call rates hai uske upar kiya jayega. Aur iske liye कॉरस्पोंडेंट बैंक एक स्मॉल फीस चार्ज करेगा जिसको हम स्मॉल मार्जिन कहेंगे. इन एडिशन इट ऑल्सो ऑफर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर द क्लाइंट बैंक. तो अगर ये सरप्लस फंड्स फॉर ए रिलेटिवली हायर पीरियड के लिए अवेलेबल है तो उनका इन्वेस्टमेंट जो लोकल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनमें भी किया जा सकता है और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में भी इनको यूज किया जा सकता है. नाउ अब हम बात करेंगे अदर सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द कॉरस्पोंडेंट बैंक टू द रेस्पोंडेंट बैंक. सो ये अदर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, चलिए अब हम इसको देखते हैं. So these services would not normally require account relationship. ये जो services जिनकी अभी हम बात करेंगे इसमें account relationship की ज़रूरत generally नहीं पड़ेगी. And these can be offered based on relationship and credit assessment by the correspondent bank. तो ये services correspondent bank जो respondent bank है उसके साथ relationship को लेकर के या उसकी क्रेडिट असेसमेंट को लेकर के उस बेसिस के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं. तो लेट अस सी ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग. अगर रेस्पोंडेंट बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है इन द कंट्री ऑफ ए कस्टमर हु इज लोकेटेड इन कॉरस्पोंडेंट बैंक, तो कॉरस्पोंडेंट बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवाइजिंग बैंक का रोल भी प्ले कर सकता है. एलसी कन्फर्मेशन. सो एलसी कन्फर्मेशन होता है एलसी के लिए पेमेंट गारंटी करना. सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉरस्पोंडेंट बैंक रेस्पोंडेंट बैंक की गारंटी भी दे सकता है फॉर पेमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स. तो उसको कहते हैं एलसी को कन्फर्म करना. अरेंजिंग बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट फॉर इंपोर्टर्स इन रेस्पोंडेंट बैंक्स कंट्री. सो रेस्पोंडेंट बैंक के कंट्री के अंदर अगर इंपोर्ट्स को सप्लायर्स क्रेडिट चाहिए या बायर्स क्रेडिट चाहिए फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओवरसीज, तो वो सर्विसेज भी कॉरस्पोंडेंट बैंक प्रोवाइड कर सकता है. बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस. सो दिस इज अनदर सर्विसेज. सो बैंकर्स एक्सेप्टेंसेज में नॉर्मली कॉरस्पोंडेंट बैंक ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक. तो कई तरह की ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं.
सो जिसमें गारंटीज हो सकती हैं और एक्सेप्टेंसेस सर्विसेज हो सकती हैं, तो वो सर्विसेज भी कॉरेस्पोंडेंट बैंक दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। इश्यूएंस ऑफ गारंटीज बिड बॉन्ड्स एंड परफॉर्मेंस, तो कॉरेस्पोंडेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक अपने कंट्री के अंदर रेस्पोंडेंट बैंक के कस्टमर्स के बिहाफ के ऊपर गारंटीज इशू कर सकता है, बिड बॉन्ड्स इशू कर सकता है, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स इशू कर सकता है। तो ये बेसिकली नॉन फंड बेस्ड लोन्स रहते हैं जो कॉरेस्पोंडेंट बैंक इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, रेस्पोंडेंट बैंक्स की ऑपरेशंस को कवर करने के लिए अगर किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो कॉरेस्पोंडेंट बैंक उन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी अवेलेबल करवा सकता है। कस्टोडियल सर्विसेज, रेस्पोंडेंट बैंक्स के कस्टमर्स को अगर कॉरेस्पोंडेंट बैंक के कंट्री में कस्टोडियल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, यानी रेस्पोंडेंट बैंक का जो कस्टमर है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सेफ कस्टडी के लिए रखवाने हैं, तो वो सर्विसेज भी कॉरेस्पोंडेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड रेफरल्स एंड क्रेडिट रिपोर्ट ऑन फॉरेन पार्टीज, समटाइम्स रेस्पोंडेंट बैंक के कस्टमर को फॉरेन कंट्री में जो उसका कस्टमर होगा तो उसके बारे में क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए या कोई और जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी भी कॉरेस्पोंडेंट बैंक जुटा सकता है फॉर द कस्टमर ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड ऑल्सो सिक्योरिटीज, तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कवर कर चुके हैं। अदर फंड रेजिंग सर्विस लाइक बॉन्ड्स, ADRs, GDR एटसेट्रा, तो ये कुछ और हैं सर्विसेज जो कॉरेस्पोंडेंट बैंक रेस्पोंडेंट बैंक्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, तो कॉरेस्पोंडेंट बैंक अरेंज करवा सकते हैं ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक्स। सो कुल मिला के अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो रेस्पोंडेंट बैंक अवेल कर सकते हैं इन अदर कंट्रीज बाय यूजिंग सर्विसेज ऑफ कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास के हैं वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए, और जो इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी लाइक डिसलाइक ज़रूर कंप्लीट करें। यस, डू इट क्विकली। सो आई एम श्योर कि आप CIB के सभी पेपर्स के लिए केस स्टडीज साथ साथ ज़रूर कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ केस स्टडीज अगर आप करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेटर बनती है और आपका स्कोर भी बेटर बनता है, तो इसलिए केस स्टडीज़ को मत इग्नोर करें। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स, कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। तो हियर आंसर डी इज द राइट आंसर, ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स। वट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन प्रोवाइडेड बाई कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स, तो ये फंक्शन क्या है, तो देखिए इनमें से
राइट आंसर हमारा कौन सा बनता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस को लेकर के, कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉलो अप फॉर पेमेंट एंड रिमाइंडर्स, हैंडलिंग ऑफ आउटवर्ड पेमेंट्स, रिसीट ऑफ इनवर्ड पेमेंट्स एंड कलेक्शंस, और इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस बैलेंसेस। तो हमने आंसर देना है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। सो क्लियरिंग हाउस के लिए कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। सो हम इसके आंसर को करेक्ट कर देते हैं, तो इट शुड नॉट बी आंसर सी, रादर दिस आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस ऑफर्ड बाय सम कॉरस्पोंडेंट बैंक्स। तो ये कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस क्या है जो कुछ कॉरस्पोंडेंट बैंक्स ऑफर करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विस फॉर ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस, फैसिलिटीज फॉर कलेक्टिंग प्रोसीड्स ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन कस्टमर्स इन ओवरसीज लोकेशंस, अरेंजिंग बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट फॉर इम्पोर्टर इन रेस्पोंडेंट बैंक कंट्रीज, और कस्टडियल सर्विसेज। तो ये कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस ये किसको रिलेट करते हैं? तो इनमें से ये किसी को रिलेट नहीं करते, तो दे डू नॉट रिलेट टू एनी ऑफ दीज। सो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा नन ऑफ दीज। क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस, तो ये रिलेटेड हैं कवर फंड्स के लिए। व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कॉरस्पोंडेंट बैंक्स। सो किस तरह की पेमेंट्स को कॉरस्पोंडेंट बैंक्स कर सकते हैं? ओनली इंटरबैंक पेमेंट्स, ओनली कस्टमर पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली पेमेंट ऑफ बेनिफिशरीज इन द सेम सिटी, या ये सारी की सारी पेमेंट्स वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सो दे कैन कंडक्ट ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स, ये सारी की सारी पेमेंट्स वो कर सकते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स बाय कॉरस्पोंडेंट बैंक्स। किस पर्पस के लिए लोन्स और ओवरड्राफ्ट देते हैं कॉरस्पोंडेंट बैंक्स? To maintain minimum balance in the account, to fill up long-term funding gaps, to fill up short-term funding gaps, or to invest surplus balances overnight. Question number 5. So what will be the answer? So these services are provided to fill up short-term funding gaps. So option C is the right answer. Which of the following services would require account relationship with the correspondent bank? So inme se kaun si service ke liye account relationship with the bank ke liye zarurat padegi? Investment services ke liye, custodial services ke liye, clearing house functions ke liye, ya LC confirmations ke liye? तो किस पर्पस के लिए जरूरत पड़ेगी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप की? सो इट विल बी फॉर क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। तो इनके लिए तो ये मैंडेटरी रहेगा। व्हाट आर वेरियस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरस्पोंडेंट बैंक्स? इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, या ये सारी की सारी ही है? क्वेश्चन नंबर 7, सो ये सारी की सारी ही इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं कॉरस्पोंडेंट बैंक्स। वेल फ्रेंड्स, आज के इस लेसन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले
अगर आज के लेसन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स आपको इस वीडियो का अवेलेबल ऑलवेज रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं या हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको क्विकली आंसर दिया जाए और आपकी हेल्प हो सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।